नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार विधानसभा के दो सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। इन दोनों सीटों पर जो है वो मतदान हो चुका है, परिणाम कल यानी कि 2 नवंबर को आएंगे। ऐसे में अब जिस खबर की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल हम आपको बता दें कि इन दो विधानसभा के दो सीटों पर तमाम बड़े दिग्गजों के जो दाव हैं वो आखिर किस तरह से काम उन्होंने किया है, उनके दाव कितने काम में आए हैं, ये कल यानी कि 2 नवंबर को पता चलेगा। तो चलिए इस खबर को विस्तार से आपके सामने रखते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए तमाम दलों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब बस ऐसे नेताओं को इंतजार है चुनाव परिणाम का। उन नेताओं ने जिन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया उसका फायदा उनकी पार्टी और उम्मीदवारों को मिला कि नहीं, सभी को अब इस बात का इंतजार है। हम बात कर रहे हैं ऐसे नेताओं की जिन्होंने उपचुनाव में ना सिर्फ प्रचार किया बल्कि रणनीति भी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जी हां, जेडीयू की तरफ से तारापुर में कमान खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संभाल रखी थी। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। वहीं अशोक चौधरी जिन्हें तारापुर का प्रभार मिला लगातार कैंप कर रहे थे। इन तीनों के ऊपर जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। ऐसे में जेडीयू की तरफ से कई नेताओं ने कैंप कर रखा था लेकिन इन तीनों की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा फंसी हुई। एनडीए उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी भी कमान संभाले हुए थे, इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। वहीं जेडीयू की तरफ से कई मंत्री, विधायक, सांसद और एमएलसी भी लगातार चुनाव प्रचार में लगे थे। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू की पूरी कमान मंत्री संजय झा ने संभाल रखी थी। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी भी लगातार चुनाव प्रचार में लगे थे। भारत सरकार के मंत्री आरसीपी सिंह ने भी कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव प्रचार किया था। जेडीयू के स्टार प्रचारक खुद नीतीश कुमार थे और उन्होंने भी तारापुर और कुशेश्वर में ना सिर्फ प्रचार किया बल्कि जनता को ये बताने की कोशिश भी की उन्होंने कि तमाम जाति और धर्म के लिए उन्होंने विकास किया है। वहीं अगर हम राजद की बात कर लें तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में राजद के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई थी लेकिन लालू प्रसाद के पटना आने और चुनाव प्रचार करने के बाद राजद के लिए ये सीट भी खास हो गई। राजद ने दोनों सीटों को अपने पाले में करने के लिए अपने तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया था लेकिन दोनों सीटों पर तेजस्वी यादव ने खुद मोर्चा संभाल रखा था। कभी तारापुर तो कभी कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तारापुर में तेजस्वी एक दिन और एक रात भी रुके थे। वहीं लालू यादव ने भी अंतिम समय में आकर बड़ी चुनावी सभा में और उनका माहौल जो है वो पूरा बदलने में उन्होंने कोशिश की और उनकी सभाओं में भीड़ भी उमड़ी। राजद की तरफ से वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, भाई वीरेंद्र जैसे कई नेताओं ने तारापुर में कैंप किया हुआ था और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहीं कुशेश्वर स्थान में शिवचंद्र राम, श्याम रजक, अब्दुल बारिक सिद्दीकी, भोला यादव, ललित यादव जैसे नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी थी क्योंकि राजद को जिताने के लिए नेताओं की बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। तो साफ तौर पर इस वक्त हमने आपको बताया कि किस तरह से बिहार विधानसभा के दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव में राजद, कांग्रेस और जेडीयू के कई दिग्गज स्टार प्रचारकों के दाव जो हैं वो लगे हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, चाहे हम बात कर लें खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में या फिर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बारे में, तमाम लोगों ने इन दोनों जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कल का जब दिन और कल का सूरज जैसे ही निकलता है
ऐसे में जो इन दिग्गजों के दाव लगे हैं वो आखिर किस तरफ रुख करते हैं, हम कल भी आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।